हरियाणा की सैनी सरकार और मंत्री परेशान, 10 मंत्रियों को स्टाफ नहीं मिला, नेम प्लेट की जगह कागज चिपकाए। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। सीएमओ सीएस में घूम रही फायरें, हरियाणा में नायब सैनी की सरकार का एक महीना पूरा हो चुका है। इस एक महीने में सूबे के नए सीएम सैनी अपने मंत्रियों के साथ 2 कैबिनेट मीटिंग कर चुके हैं, उन्हें विभाग भी आवंटित कर दिए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक मंत्रियों के स्टाफ नहीं मिल पाया है। अभी सीएम सैनी का मंत्रिमंडल बिना स्टाफ के ही काम कर रहा है, ऐसे मंत्रियों को काम करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अभी सुबह सरकार में सिर्फ 3 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऑफिस स्टाफ के लिए ऑर्डर हुए हैं, अन्य 10 मंत्री बिना स्टाफ के ही काम कर रहे हैं। सैनी सरकार में मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्री शामिल हैं, 6 कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाने के बाद हरियाणा में नई सरकार का मुखिया नायब सैनी को बनाया गया। कब बनी नई सरकार? हरियाणा में सरकार बदलने की हलचल 11 मार्च की शाम को शुरू हो गई थी। पता तब चला जब तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपनी सरकारी आवास पर मंत्रियों और विधायकों की बैठक बुलाई। इसके बाद 12 मार्च को मनोहर लाल और उनके कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तुरंत ही भाजपा की ओर से विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई। इसमें केंद्र से आए 3 ऑब्जर्वरों के सामने मनोहर लाल ने नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा। शाम को ही सैनी ने अपने 5 कैबिनेट मंत्री के साथ शपथ ले ली। अगले दिन विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विश्वास मत हासिल कर लिया गया। 19 मार्च को सीएम ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इसके बाद अब मंत्रियों को विभाग भी आवंटित कर दिए गए हैं। अब तक क्या क्या काम हुआ? सीएम नायब सैनी की सरकार अपने एक महीने के कार्यकाल में अभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाई है। इसकी वजह है लोकसभा चुनाव की आचार संहिता। हालांकि इसके बाद भी सीएम सैनी अपने मंत्रियों के साथ 2 कैबिनेट मीटिंग कर चुके हैं, साथ ही मंत्रियों और खुद के विभागों का बंटवारा भी कर चुके हैं। इस कैबिनेट में शामिल 7 राज्य मंत्रियों को भी सीएम सैनी की ओर से बड़े बड़े विभागों के क्या काम नहीं हुआ। सैनी सरकार में कुछ काम ऐसे हैं जो अभी नहीं हो पाए हैं। इसमें सबसे बड़ा काम है मंत्रियों को उनका स्टाफ ही नहीं मिल पाया है। इन 3 मंत्रियों में डॉक्टर अभय सिंह यादव, जेपी दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल को छोड़कर अन्य सभी के स्टाफ के ऑर्डर तक नहीं हुए हैं, जबकि मंत्रियों के प्राइवेट स्टाफ की सीआरडी रिपोर्ट तक आ चुकी है, लेकिन वह भी बिना ऑर्डर के ही काम कर रहे हैं। हरियाणा सीएमओ और सीएस ऑफिस के बीच कई बार फाइलें आई गई, लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं हो पाए, ये आ रही परेशानी। इस समय सूबे के मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित सभी मंत्री लोकसभा चुनाव के कारण फील्ड में ही हैं। ऐसे में स्टाफ के आधिकारिक नियुक्ति न होने के कारण फाइलों पर साइन नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण कई जरूरी काम अटके हुए हैं। जबकि मंत्रियों की ओर से मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद को स्टाफ और अन्य जरूरी चीजों के लिए 2 बार रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं। सैनी सरकार के एक मंत्री ने बताया कि स्टाफ को लेकर जल्द ही कुछ मंत्री मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। कागज की लगी है नेम प्लेट, सचिवालय में मंत्रियों को ऑफिस तो आवंटित कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उनके कार्यालय के बाहर नेम प्लेट तक नहीं लग पाई है। सचिवालय प्रशासन की ओर से कागज पर मंत्रियों के नाम लिखकर उनके ऑफिस के बाहर चस्पा किए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।